नेपाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल को लूटकर बंधक बनाने वाले बदमाशों की इटावा जिले के सैफई इलाके में पुलिस ने जोरदार मुठभेड़ में एक अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से एक पिस्टल, 6 कारतूस और लूटे गए 2 लाख रुपए में से 1,35,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लुटेरे ने नेपाली युवक को लूटने के लिए करीब 850 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी की। नोएडा के परीचौक से अपराधी कार में सवार हुआ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए बाराबंकी तक पहुंचा। उसके बाद नेपाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कार में ही बंधक बना करके डाल लिया। कार को वापस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नोएडा के लिए चल दिया, लेकिन इटावा जिले के सैफई इलाके में चैनल नंबर 104 पर उसका डीजल खत्म हो गया, जिसके बाद कार रुक गई। जब कार रुकी तो लुटेरे ने डीजल डलवाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच बंधक नेपाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार से निकल करके भाग निकला। इटावा के SSP जयप्रकाश सिंह ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि नेपाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल 29 मार्च को ग्रेटर नोएडा से अपनी बहन के घर से सोनाली बॉर्डर के लिए जा रहा था। इसी बीच में एक शख्स ने उससे लिफ्ट मांगी और लखनऊ तक के लिए जाने के लिए कहा। इसी आधार पर कार से वह शख्स लखनऊ तक पहुंचा और उसके बाद बाराबंकी तक की यात्रा करने के लिए बोला। इसी बीच 2 और शख्स कार में आ गए, जिन्होंने नेपाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पिस्टल लगा करके उसको बंधक बना करके अपनी गाड़ी में डाल लिया। यह शख्स जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया, यह कोई और नहीं आसिफ सैफी नाम का निकला है, जिसको पुलिस ने सैफई इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार किए गए इस अपराधी ने साल 2018 में नई दिल्ली के भजनपुरा में एक 7 साल के मासूम का अपहरण किया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करके काफ़ी दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। जब वह शख्स छूट करके आया तो फिर एक बार फिर लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा। परीचौक से ग्रेटर ने परीचौक से दिया था और सही जा रहे थे हम जीनत नाम के जगह से, 2 लड़के और बैठ गए थे, फिर इन्होंने प्लान के हिसाब से मुझे कनपट्टी में लगाया था। वो जगह था बाराबंकी क्रॉस करके पहले टोल से 6-7 किलोमीटर पहले के जंगल में था और 0.0 से एक दो लड़के बैठे थे मेरे पास और उन्होंने मुझे मेरे साथ बाराबंकी में जाके अटैक किया था। 2 बंदे को और बिठाया था बीच में, ये जीनट नाम की जगह में बाराबंकी में अटैक किया और पट्टी वट्टी बांध दी कनपट्टी में, वो कंचा उंचा दिखा के फिर उन्होंने मुझे वापस ले आए। आँख में पट्टी लगी हुई थी, काफ़ी आगे तक ले आए और गाड़ी की तेल ख़त्म हो गई थी। तो सैफई ये 104 नंबर की है, कोई पेट्रोल पंप है। तुम्हारे साथ दुर्घटना कहाँ से हुई? हाँ, और वहाँ पे जब तेल डालने की थी वहाँ पे जो टेक्निकली रिवर्स गियर नहीं लग रही थी, तो इसी के फ़ायदा उठा के मैं बाहर निकला। फिर मैंने पुलिस को सूचना किया, वहाँ के लोगों को बताया कि ये इस तरीके से क्रिमिनल्स है। फिर हमने पुलिस को सूचना दिया तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया इनको और मैं सुरक्षित बच गया। ये विशाल आर्याल जो नेपाल के रहने वाले हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये इटियोज गाड़ी से नोएडा से अपने नेपाल के लिए जा रहे थे, तो 2 लोग इनको रास्ते में मिले नोएडा में और गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद इनके कथनानुसार बाराबंकी में एक आदमी उतर गया, दूसरे ने 2 लोगों को और बुला लिया और इसके बाद इनको बंधक बना करके इनके साथ घटना की गई थी। ये हमारी पुलिस ने इसमें 31/3/2022 को सफलता प्राप्त की। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक पिस्टल बरामद है, 6 जिंदा कारतूस है, 1 खोखा कारतूस है और 1,35,500 रुपये नकद और आधार कार्ड, गाड़ी भी बरामद हो गई थी। इसमें इन्होंने हिम्मत का काम किया, शोर मचाया था, इसके बाद ये कार्रवाई हुई थी और इसमें 2 अभियुक्त अभी फरार हैं जिनके प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तार होने का। हाँ, इसका जो आपराधिक इतिहास अभी तक मिला है, ये रहने वाला दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर का है और इसके विरुद्ध एक अभियोग नई दिल्ली में पंजीकृत है। 7 साल के समझौता बच्चे का अपहरण इसने किया था, इस पर धारा 363 और 364A का मुकदमा किया।